नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। आज का वीडियो है Google My Business लिस्टिंग को लेकर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जहाँ पर कि हम स्टार रेटिंग वगैरह लेते हैं, और जब कोई व्यक्ति गूगल पे सर्च करता है और जो ऊपर में तीन चार रिजल्ट दिखते हैं, जहाँ पर जो गूगल मैप है वहाँ पर जो है आपको रिजल्ट दिखते हैं, और वहाँ से जो है बहुत इजीली जो है बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग यदि आप बनाना चाहते हैं और गूगल बिजनेस लिस्टिंग आप खुद बना के अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आप वो बना सकते हैं, तो आपके अपने इस वीडियो में आज हम उसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि गूगल ने अपनी एक फैसिलिटी दी है बिजनेसेस को, लोकल बिजनेसेस को रजिस्टर करने के लिए, जहाँ पर जैसे किसी किराने की दुकान है, किसी कोई फर्नीचर की दुकान है, कोई किसी चीज़ की दुकान है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई शॉपिंग मॉल है, कहीं कुछ है, तो अब जो है आप कोई भी सर्विस यदि अपने गूगल पर सर्च करते हैं तो उसका जो है वो आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है। अब आपका बिजनेस यदि आपको गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में रजिस्टर करना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनका बिजनेस रजिस्टर हो नहीं पाता है, अप्रूवल नहीं मिल पाता है। और अप्रूवल सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि गूगल की पॉलिसी है कि वो हमेशा जो जेन्युइन बिजनेस है, जो ऑथेंटिक बिजनेस है, उन्हीं को सपोर्ट करता है। अब होता क्या है कि लोग बिजनेस लिस्टिंग करते तो हैं लेकिन अपने बिजनेस का कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। अब अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, और अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि बिजनेस लिस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपकी जानकारी डालेंगे, और वो सारी जानकारी डालने के बाद में जैसे ही फाइनल स्टेप होती है वहाँ पर जो है गूगल जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंडेड का मैसेज आ जाता है, और वहाँ पर आदमी दुखी हो जाता है, और फिर वो जो है लोगों को ढूंढना शुरू करता है कि सोचता है कि कोई इंसान उसका गूगल में बिजनेस का लिस्टिंग अप्रूव करवा के दे देगा। देखिए, गूगल है बहुत बड़ी कंपनी है और वो जेन्युइन बिजनेस में और फेक बिजनेस में उसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, और वो कस्टमर्स के लिए जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो वो ऐसे ही अगर कोई इंसान बिना किसी प्रूफ के बिजनेस को लिस्ट कर देगा गूगल पे, तो आप ये मान के चलिए ना कि फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के साथ में इस हद तक जो है गलत कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए गूगल ने क्या किया हुआ है कि वो जेन्युइन बिजनेस का, जब आप बिजनेस लिस्टिंग करते हैं तो आपसे बिजनेस लिस्टिंग का प्रूफ मांगता है। और बिजनेस लिस्टिंग का प्रूफ क्या है, आप जो है उद्योग आधार में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपकी लोकल जो है नगर निगम अथॉरिटी होती है जहाँ से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, और यदि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाने का, बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक ही चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपके पास में प्रॉपर है तो आपको हर जगह वो डॉक्यूमेंट काम में आने वाले हैं, और उससे आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर आप किस तरीके से लिस्ट करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं वीडियो जो है आपको डाल दूंगा कि किस तरीके, वो सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन उसके अप्रूवल के लिए आपको लगेंगे हमेशा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवाएं, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इवन इन फ्यूचर यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और यदि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आप ITR फाइल करते हैं तो आपको लोन मिल जाता है इजीली ग्रो करने के लिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो जहाँ जहाँ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है जरूर से रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत लग्जरी जगह पर बड़ा सा ऑफिस लें तभी आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। आप जहाँ हैं आपके घर से अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो गूगल बाई बिजनेस लिस्टिंग को अप्रूवल करवाने के लिए यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो जो है वो आपका अप्रूवल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी यदि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो ये मान के चलिए कि तुक्का यदि लग जाता है किसी इंसान का और कहीं वो फ़ोन वेरिफिकेशन से अप्रूव हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ जो है बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनका बिजनेस जो है वो अप्रूव नहीं होता है। तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप डॉक्यूमेंट बनवाएं, डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनानी है 1,500-2,000 रुपये में बन जाती है जो है उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन, तो बहुत ही ईजीली हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी लेकिन वो आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं, उससे आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग जो है वो भी अप्रूव हो जाएगा। यदि आप गूगल एड चलाते हैं तो गूगल एड वेरिफिकेशन करता है बिजनेस का, तो बिजनेस वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गूगल एड प्रॉपर तरीके से चलाना है तो वहाँ पर आपको काम आएगा। यदि आप फेसबुक पेज चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी ऐड चला रहे हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो सके और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो सके। आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।